सारिका जैन जी, मैं आपको एक सुझाव दूं। आज वैलेंटाइन डे के दिन चूंकि आप मेरी बहन है, इसलिए मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं। सुझाव ये कि अभी भी आपका मेयर बन सकता है, लेकिन आपको अब जो 10 एल्डर मैन है ना, अब जो आपने जुगाड़ से बनाए और जो अपने पक्ष में वोट डलवा रही थी, अब वो तो वोट डाल नहीं पाएंगे। तो अब आपको आम आदमी पार्टी के लोगों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना, जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, बस यही है। इसका जुगाड़ आप करो एक बार। और जो पहले आपने बातचीत की होगी, अब वो भी जो है ज्यादा भाव मांगेंगे। उन्होंने कहा भाई ये रेट तो 16 फरवरी वाला था, अभी आगे वाला रेट है तो 50 लाख और दो प्लस, समझ गए जी। अब आपने बोल दिया, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बहन जी, प्लीज बोलिए। अतुल जी, आज मुझे आप जर्नलिस्ट कम लग रहे हैं और आप पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लग बिल्कुल रहे हैं। सही है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है बहन जी। सुनिए, हम बताएं, यही सोच रहे होंगे। नहीं बहन जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पार्टी से आए हैं, पिछले 2 महीने से ऐसे ही लग रहा है बीजेपी वालों को, क्योंकि हम जब बीजेपी सवाल पूछते हैं तो हम फिर आम आदमी पार्टी के हो जाते हैं। आप मेरी बात लीजिए, आप ऐसे आरोप लगाएंगे तो फिर मुझे अपनी क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा ना मैडम। तो रखूंगी ना मैडम, मैं कमल का फूल का पटका पहन के तो नहीं बैठूंगा ना यहाँ पर। देखिए बिल्कुल नहीं बैठिए, लेकिन हाँ, आप लेकिन 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 भाजपाइयों की दिक्कत यह है कि वो एंकर को कमल के फूल का पटका पहनाना चाहता है। अगर आप जर्नलिस्ट है तो दोनों पक्षों की बात रखेंगे। मैं तो दोनों पक्ष की बात रख रहा हूँ बहन जी, मैं तो दोनों पक्ष की बात रख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की ऐसी की तैसी कर दी है कोर्ट में, अब मैं किस पक्ष की बात रखूं? और आप मुझे आम आदमी पार्टी का समर्थक बता रही हैं। अतुल जी आपने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर इनका मेयर नहीं बनता तो ये तो कानून भी चेंज कर लेंगे। आपने तो प्रवक्ता की पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दिया। मैडम मैडम, आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बेहतर है कि आप बीजेपी वालों को दें, जिनको जो आईने में अपना मुंह नहीं देख पाएंगे बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आप देखिए केजरीवाल जी को किस चीज का डर है, पूर्ण बहुमत उनको मिला है, उसके बाद भी मेयर का चुनाव कराने से डर रहे हैं। तीसरी बार भी मेयर का चुनाव होने वाला था, वो भी रद्द करके वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने चले गए। और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो माननीय है। अच्छा, नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश माननीय है, पहले माननीय नहीं था। सत्या शर्मा को पता नहीं था, एलजी को पता नहीं था, भाजपाइयों को पता नहीं था, दूध पीते बच्चे हैं भाजपाई क्या? देखिए भाजपाई क्या होता है, आप जर्नलिस्ट है, आप अपनी जो आप बोल रहे हैं उस पर तो लगाम लगा। अरे भाजपाई मतलब जो भाजपा से है, आम आदमी पार्टी के लोग जो आम आदमी पार्टी से है, क्या भाजपाई गलत शब्द है? आपका वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं है अतुल जी। मुझे सर्टिफिकेट मत दें आप ऐसे, प्लीज। किस लैंग्वेज? नहीं नहीं, 24 साल में आप जैसे न जाने कितने लोगों ने सर्टिफिकेट दिया मुझको। आप जिस तरह से बात करें लग नहीं रहा कि आप जर्नलिस्ट है। अरे सारिका जी, आपके लगने ना लगने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सारिका जैन जी, आपके लगने ना लगने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनिए बात को पहले, आप महिला है, मैं बहन क्या आपका सम्मान कर रहा हूँ, तब ऐसा नहीं कि आप एकदम जो है सब चीजें जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए, ऐसे मत करिए आप। लेकिन आप तो बात ही सुनने को तैयार नहीं हो। अरे आप गलत बात कहेंगी तो मैं क्यों सुनूंगा? देखिए नहीं, गलत क्या है, क्यों आप मुझे आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बनाएंगी तो मैं सुन लूंगा। आप अगर दायरे को लांघेंगी तो फिर मैं भी आपको आईना दिखाऊंगा बहन जी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लोकतंत्र का हरण किया है, MCD चुनाव में बीजेपी ने लोकतंत्र को लूटा है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। आपके पास नंबर नहीं है तब भी आप मेयर बनाने निकल पड़ती हैं। देखिए अतुल जी, अब आप मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने मुझे इनवाइट किया है तो आपको मेरी भी बात नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन बेजा आरोप लगाऊंगी तो मैं मुंह तोड़ जवाब भी दूंगा। नहीं, मुंह तोड़ जवाब की बात नहीं है। आपने कहा है कि आपके नंबर कम आए तो आप हम मेयर का चुनाव नहीं लड़े क्या, ये बताइए। लेकिन बोरा लेके पकड़ती मत ढूंढिए ना। अरे नंबर कम आए तो क्या होगा? अरे तो क्या तोड़फोड़ करेंगी, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगी क्या आप लोग? इनके हो सकता है इनके पार्षद हमें वोट देते, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही है। आप इसको ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हम चुनाव ही ना लड़े। लेकिन चुनाव लड़ने की एक परिपाटी है ना, परंपरा है ना बहन जी, उस परंपरा का अनुपालन करिए ना। भाई साहब, हमने कब उसका परंपरा का अनुपालन नहीं? पूरे देश ने देखा बहन जी, पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो करारा तमाचा लगाया है वो इस बात की पानगी है कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस थी वो ठीक नहीं थी। बाद में क्यों गए हो आप, बाद में स्टे लेने क्यों गए? जब पहली प्रक्रिया हुई थी, जब पहले इलेक्शन होना था तभी चले जाते। आपने इतना खर्चा करवाया आप पार्टी ने, सदन रोज सस्ता है, खाने की व्यवस्था होती है और जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद होता है। वो आप 11 लाख करोड़ रुपया जो सुनिए बहन जी, 11 लाख करोड़ रुपया भारत के जो रईस लोग हैं वो लूट के चले गए, तब वो टैक्स का पैसा दिखाई नहीं पड़ा। निर्मला सीतारमन ने बड़े बड़े 11 लाख करोड़ रुपया को लुटेरे जो व्यापारी थे उनका पैसा राइट ऑफ कर दिया, तब आपको टैक्स की चिंता नहीं आई। और आप मुझे यहाँ टैक्स का ज्ञान दे रही अनुज अग्रवाल? अतुल जी, आप ये जो बात आपने निर्मला सीतारमन जी के बारे में कही, इसका प्रूफ भी लाकर दीजिएगा। अरे भाई, संसद का आंकड़ा है, अरे भाई, आप हमें सारिका जैन जी, सारिका जैन जी, आरोप लगाया सारिका जैन जी, सारिका जैन जी से भटक रहे हैं। आपने मुझे बुलाया मेयर चुनाव के लिए, आप निर्मला सीतारमन गगरी छलकत जाए। सारिका जैन जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रवक्ता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सारिका जैन जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पढ़ लिख के आया करिए भाई, ये निर्मला सीतारमन जी ने संसद में बताया है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। 11 लाख करोड़
रुपए राइट ऑफ किया गया है। ये मैं आंकड़ा लेकर नहीं आया हूँ, ये वित्त मंत्रालय का आंकड़ा है। पढ़ लिख के आया करिए प्लीज, बीजेपी की दिक्कत यही है, होड़ बिना पढ़े लिखे चले जाते हैं। क्या करते हैं भाई आप लोग, ऊपर से आरोप लगाते हैं। पढ़िए लिखिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। और जो आज का मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी के लंबरदारों ने अपनी अहमन्यता से, अपने अहंकार से एमसीडी मेयर चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी का चेहरा धुआं धुआं करवा दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के इस मौखिक ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो मौखिक ऑब्जर्वेशन होता है वो बिम्स एंड फैंसीज नहीं होता है कि जज साहब जो है कुछ और सोच के घर से आए और बता दिया, गाना सुना दिया और लिखेंगे कुछ और, ऐसा नहीं होता है। वो तथ्यों के आधार पर अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं, उसके बाद फैसला देते हैं। फैसले के दो हिस्से होते हैं, एक ऑपरेटिव पार्ट होता है, एक विस्तृत फैसला होता है। चूंकि मैं वकील भी हूं, थोड़ा बहुत जानता हूं।